बेटर हो गए हैं, तो आज जो भी जीत जाएगा ना वो दूसरी गाड़ी लेके जाएगा, तो दो गाड़ियां दोनों का कंपटीशन, जो जीत गया है दूसरी गाड़ी उसकी। डर तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। घंटे से बोल रहा था यही है यही है यही है। Hello everyone and welcome to another episode of Auto Show by the Car Mall. और आज हम जा रहे हैं आगरा ताज कार रैली, आज पहला दिन है उसका, और जाते ही सबसे पहले होगी कार की स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब चेक होगा कि जो आप कार चला रहे हो क्या वो फिट फॉर रैली है कि नहीं, इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं, क्या उसके पेपर्स वैलिड हैं कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं आपके पास, कार की टेल लाइट हेड लाइट, सारे चेक पॉइंट्स होते हैं कार के जो कि चेक होंगे, स्पेयर व्हील जैक पाना टूल ये सब कुछ आपकी कार में होना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले ये चेक किया जाएगा कि आप गुड टू गो और सेफ है कि नहीं रैली में जाने के लिए, उसके बाद आपकी कार को नंबर अलॉट होगा, स्टिकरिंग होगी, स्टिकर्स लगेंगे चेक के बाद, और उन सब चीज़ों के बाद होगी हमारी ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा कि कार रैली के रूल्स क्या हैं, TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस जो कार रैली है वो क्या होती है, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे। तो चलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली ये 3 दिन की कार रैली होने वाली है, तो बने रहना व्लॉग पे, बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत अच्छे और टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे। तो देखते हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं Hyundai क्रेटा, तो क्या ये Hyundai क्रेटा जो है उस चैलेंज को मीट कर पाती है कि नहीं, और हम टाइम स्पीड डिस्टेंस जो रैली है उस कॉम्पिटिशन में ओपन कैटेगरी में जो है किस पोजिशन पर आते हैं ये भी आपको अपडेट करेंगे। तो 3 लेग्स में रैली होनी है, आज डे 1 है, 4 बजे या 3:30 बजे शाम को फ्लैग ऑफ होगा, फिर कल डे 2, पूरे दिन की रैली है, सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी, शाम को 6 या 7 बजे ख़त्म होगी, और परसों डे 3 फर्स्ट हाफ और रात को रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं व्लॉग के एंड में क्या हम कोई पोजीशन या पोडियम पे आ पाते हैं कि नहीं। स्टे ट्यून्ड ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। तो हम पहुँच चुके हैं होटल क्लार्क शिराज, जहाँ से कार रैली फ्लैग ऑफ होगी, एंड आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू पीपल टू रीच। और ये है ताज कार रैली का फ्लेक्स बोर्ड, अभी हम एंटर कर रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। बाहर बहुत इंटरेस्टिंग कार्स खड़ी थी, वो हम दिखाएंगे बाद में। सो कैन यू स्टैंड द कॉम्पिटिशन, रियल रोड रियल हीट रियल फन, सो रियल फन बिगिंस हियर। सो दैट इज द रजिस्ट्रेशन हॉल, एंड ये खड़ी है सारी कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स की टीम। हेलो, और यहाँ पे हम जाके करेंगे रजिस्ट्रेशन। सुधीर सर, विनिंग नंबर कौन सा कार का है तो बताओ, जो मिलेगा मैडम, जो मैम देंगी वही विनिंग नंबर। विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम। रजिस्ट्रेशन नंबर शिवम चावला, रोहित गैंग, शिवम चावला, रोहित। You have the FMSCL licenses? No. Okay, so you'll have to fill up the forms. He's giving you the forms. Okay. Fill up all the forms and bring it back to me. Right. You have to pay 500 for both of your licenses. Then I'll give you your card number and the rest will carry on. पहले FMSCI का license लेना पड़ेगा, Federation of Motor Sports Club of India, because बिना उसके आप rally में participate नहीं कर सकते। One event license. This is a one event license. Shivam Chandra. Yeah. You fill in and come to welcome him. Do you have a FMSCI license? No, I don't. Okay, so there is a form for FMSCI license also, you fill in that. Ma'am, Shivam Chavla done. Yes, yes, kar do. अब आप अपना वर्चुअल मार्शल डाउनलोड कर या अप्रूव करके वापस ले। ऑल दिस थैंक्स। हमने वो रेस कैंप किया था दिल्ली जाके, और पोडियम आया था ना हमारा, प्रोविजनल में 4th आए थे शायद, और फाइनल रिजल्ट में 1st आ गए थे। ये पानी हो गया।
कार नंबर मिला है 111 ट्रिपल वन लकी नंबर सो ये कार रैली स्टार्ट होने वाली है और हम पहुंच चुके हैं होटल ताक शिराज यस और अपनी है ये क्रेटा और हमें मिला है कार नंबर 111 बहुत सारे स्टिकर्स अभी लगेंगे कार में स्टिकरिंग होगी ये टर्बो एक्सट्रीम फॉर्च्यूनर खड़ी है सो टर्बो एक्सट्रीम इज हेयर आई एम वेटिंग फॉर माई को ड्राइवर रोहित डैंग ही इज नॉट अराइव्ड ये बहुत ही अच्छी मित्सुबिशी स्पोर्ट की वेस्ट बंगाल से कार आई है बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है और यहाँ पे थार में पंजाब से आई है सर कहाँ से सर आए हैं सर आप कोयम्बतूर तमिलनाडु कोयम्बतूर से ओह माय गॉड कोयम्बतूर से आए भाई का नंबर है 1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर सो दिस इज 123 एंड माय कार नंबर इज 111 और भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट कैटेगरी का रैली करते हैं हमें लगता है भाई कहाँ से आए हो आप मैं दिल्ली से हूँ मेरा नेविगेटर बैंगलोर से वेरी नाइस सो आप एक्सपर्ट कैटेगरी में होंगे आई एम श्योर बिकॉज़ आई कैन सी ऑल द केज एंड ऑल यस वी आर नाइस All the best. Thank you so much. Your car looks lovely. Thank you. It's gonna be an exciting event. Stay tuned and we'll show you more. big fan. Camera. Hello. So, our very favorite, very own Turbo Extreme is here. So guys, say hi. So finally, our car is doing stickering. This is car number 111. This is our car. This is our car mall. बहुत सारी स्टिकरिंग अभी हुई है और बहुत सारी होनी बाकी है तो अपनी गाड़ी हो गई है तैयार और ये खड़ी है अपनी कार लग गए सारे स्टिकर्स ऊपर रूफ पे भी लग चुका है स्टिकर 111 अब हमको भरना है ये स्क्रूटनी कार्ड तो फाइनली पूरी कार रेडी हो चुकी है और ये आ गई अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर भाई की और इधर खड़ी अपनी गाड़ी ये पूरे स्टिकरिंग हो गई है गाड़ी की आगरा ताज कार रैली और ये हमारे नाम ड्राइवर को ड्राइवर शिवम चालो ये आर्मी भाई तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली एकदम अमेजिंग गर्मी से बस गिरने पड़ने वाला हूँ मैं अगर गाड़ी का एसी बंद हो जाए ना तो मतलब यहाँ पे अपन खत्म है 100% तो ऐसा फील हो रहा है एकदम डेजर्ट स्टॉर्म रैली वाला फील हो रहा है गर्मी हो रही है स्टॉर्म से भी ज़्यादा हो रहा है स्क्रूटनी कार्ड मिल गया है हमें लेग वन पे सब टिक हो गया है सिग्नेचर्स हो गए हैं सो ग्रीट गुड टू गो और ये हमें टाइम कार्ड भी मिल गया है ये है हमारा टाइम कार्ड ये लाइफ लाइन है हमारी रैली की जो कि टाइम रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पे उसके हिसाब से रिजल्ट रैली का होता है सो अब हम गुड टू गो हैं अब स्टार्ट होने वाली ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे एक घंटे की और लंच करके फटाफट से चलेंगे रैली पे तो ये खड़ी है टोयोटा ये खड़ी है ह्युंडई और ये अपने आदमी भाई और ये मैं तो हम हैं कॉम्पिटिटर्स हैं भाई वैसे लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं क्योंकि मुझे ये बताया था इंटरव्यू में कि दोस्त के साथ एक टीम में मत आना वरना झगड़ा हो सकता है तो मैंने कहा भाई था क्योंकि तेरी गलती मेरी गलती तो मैंने कहा भाई के साथ झगड़ा तो कर नहीं सकते तो एक्चुअली क्या आज कॉम्पिटिटर हो गए हैं तो आज जो भी जीत जाएगा ना वो दूसरी गाड़ी लेके जाएगा तो दो गाड़ियाँ दोनों का कॉम्पिटिशन जो जीत गया है दूसरी गाड़ी उसकी मेरी ले जाए मेरी नहीं है मेरे वो भी मेरे को ड्राइवर की है तो भाई ले भी जाए कोई टेंशन नहीं Is it all right if we post the road book on the... Someone is starting at 6. Someone is starting at 6:30. They only get their road book 5 minutes before deadline. Yeah. Can that be posted once the last plan is done? आपके हाथ में जो चीज है वो व्हाट्सएप पर एक बार भेज दीजिए। तो ये चल रही थी ब्रीफिंग और भाई कह रहा है व्हाट्सएप तो अगर थार लेनी है तो भाई के पास आ जाना पर कैंसिल करानी है तो मेरे से पूछ लेगा और थार के बाद जो लड्डू लेना है लड्डू ऑल आर वेलकम ऑल सेट बॉयज नो सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम सो एवरीबॉडी सेइंग नो तो व्हाटएवर हैपेंस इन रैली स्टेज इन रैली तो अब हम चलते हैं और इट्स टाइम फॉर फ्लैग ऑफ कार नंबर 11 भैया आगे पे तो 111 111
हमें भी कुछ करने को Lovely. We are having such a great event here. And your team is Mari, Puri. Where is the fourth one? He is there outside for the drone. Drone, yeah. Yes. 3, 2, 1, go. God, please. Yeah. It's okay. A flag off? Yeah, flag off starting. You will follow, aapke aage 106 hai. Okay. Just give me your time card. Yeah. ये सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ है सो दिस टाइम इज नॉट रियली काउंटेड जहां आपका लेग स्टार्ट होगा वन न्यू टाइम डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस स्टार्ट बटन व्हेन स्टार्टिंग द कंपटीशन और ये आ गया पानी बहुत अच्छे से आवाज भी आ रही है उनको वॉकी टॉकी भी काम कर रहा है ये ऐसी आदेश आदेश अरे आदेश कुछ नहीं ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं भैया टाइम ऑल द बेस्ट ओके भैया 111141 ओके ओवर एंड आउट Roger. So it's gonna start now. It's gonna start now, and that's the road book. जो मिल चुकी है. जिसको navigator पड़ेगा. So we may start from here. Yeah. Zero at the gate. Zero. So okay. Yeah. Go. Thank you. Yeah. Thank you. Start. Countdown has started at 16:06. Zero at the gate, he said. अब ऑन कॉल जब आ जाए तो बता दियो गिव मी हेड्स अप 220 मीटर्स हो गए 25 स्पीड 200 आ गया ये होगा 220 राइट यही है सो देयर इज अ लेफ्ट देयर इज अ राइट थोड़ा बढ़कर आपने स्ट्रेट जाना है हमने स्ट्रेट जाना है हां नहीं नहीं सेकंड इंस्ट्रक्शन राइट मुड़े सेकंड इंस्ट्रक्शन थी 220 मीटर अभी थर्ड इंस्ट्रक्शन आ गई ना 220 मीटर के बाद हां 400 मीटर आगे जाना है राउंड अबाउट तक चल ना 400 मीटर आगे जाना है हां ये वाला पॉइंट है ना ये हम सेकंड इंस्ट्रक्शन पे है ना फर्स्ट से हम फर्स्ट से राइट मुड़ गए सेकंड में 220 मीटर आ गए वाला मोड आ गया अब ये नीचे से राइट बता रहा ना भाई 620 मीटर राउंड अबाउट से आगे जाकर तू यहां से इस पॉइंट से 400 मीटर और आगे जाएगा तभी तो राउंड अबाउट आएगा तो दोनों तरफ दिमाग नहीं लगा तू चला ठीक है 400 मीटर टोटल ऑर्डर रीडिंग 620 है ना हां 620 सो नाउ आ राउंड अबाउट थर्ड एग्जिट ऑन योर राइट थर्ड एग्जिट सो राउंड अबाउट पे ओडोमीटर इज 620 थर्ड एग्जिट 170 मीटर्स ठीक है सो द रोड इज स्लाइडिंग कीप ऑन योर राइट ओडोमीटर टोटल 1.94 होगा अब राइट लेफ्ट आएगा वहां से बिल्कुल यहां पर 13.4 आ रहा है मेरा हाँ तो करेक्शन है थोड़ा सा 13.50 मीटर आगे चल रहा है 13.69 ठीक है चलो अब आगे अब बस 0.08 मीटर ये राइट हाँ यही वाला स्ट्रेट ये वाला सेकंड 77 करेक्शन हो गया 50 मीटर का ठीक है इसमें अब नाउ गो 1.34 नाउ 300 मीटर 15.41 ध्यान दे रहा हूँ मैं तो मार्शल की देखने की कोशिश कर रहा हूँ ये इसी पे आएगा पक्का मार्शल मुझे ऐसा गट फीलिंग कर रही है देख रहा है ये गोला का मतलब क्या है गोला का मतलब मार्शल ही था वो एक गाड़ी खड़ी है टेढ़ी हाँ। वो ही मार्शल की होगी मुझे ऐसा लग रहा है वो बोर्ड सा दिख रहा है एक लाल गोल बीच में सो या दैट इज मार्शल वी आर राइट ऑन ट्रैक 15.41 हाँ तो 5 मीटर 50 मीटर का करेक्शन है मेरे में 15.46 है मैं पे आएगा तो ये ठीक है फिर हम ठीक जा रहे हैं यस आई तो अब हमने अब 15.52 देखें नहीं 15 पॉइंट तुम तो अपना बताओ 15.41 ना हाँ हो गया नहीं अभी नहीं आया मेरे 46 पे आएगा तू कह रहा है 15.46 पे आएगा हाँ स्ट्रेट ही है ना अभी मुड़ना नहीं ना कहीं करेक्शन क्या फील्ड है यार मैं गोप्रो रोटेट करके दिखा नहीं सकता लोगों को बट अमेजिंग चलो सर इसमें सर पॉपअप नहीं आया 18 वीर जी भैया इसमें पॉपअप नहीं आया हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट हो या तो एप्लीकेशन में सो नाउ व्हाट डू वी डू होगा अपडेट होगा आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो अपडेट होगा
अभी एक मिनट का टाइम है कि हम फोटो ले सकते हैं उधर के? यू मे पार्क ऑन द साइड। वन मिनट गैप है ना, वन मिनट। लास्ट वाला 21 का छोड़ नहीं लेगा यार, मुझे कंपटीशन जीतना। अपना तू अपना आईफोन दे, तेरे आईफोन से लेता हूँ। अभी नेक्स्ट रीडिंग क्या है? 1 किलोमीटर। नहीं नहीं ये है, हाँ ये है। सॉरी। चलो अभी हम 15.52 रीडिंग पे चले हैं। 15.52 हाँ तो 16.5 1 किलोमीटर पूरा है। स्ट्रेट ये 45 की स्पीड है, फास्ट कर। क्या बात कर रहा है? हाँ कर। यहाँ पे 45 की स्पीड है, पागल हो गए क्या? ये देखिए लिखा तो है 45 है ना? हाँ यही लिखा है ना इसी पे, इसके बाद यहाँ तक ही तो 45 हुआ, बाकी 45 की स्पीड है। कब तक 16.52 तक ना? हाँ 16.52। तो तेरी स्पीड क्या है? अरे भाई गाड़ी थोड़ी खराब कर दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे, जितनी अपनी औकात है उसके हिसाब से तो चलाऊंगा। गाड़ी मत खराब कर, फटाफट दो, फटाफट फटाफट। तो ये है बाहर का नज़ारा रैली का, और हम रैली में जा रहे हैं, और 16.52 रीडिंग भी चेक करनी है, बहुत कुछ काम करना है, साथ में 45 की एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है। ये बाहर के ग्रीन लैंड है और खेत हैं बहुत सारे, मिट्टी बहुत उड़ रही है, मजा आ रहा है। सो ये बाहर का व्यू है। क्या भाई, मतलब मैं 5 आगे बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना, आने वाला ये है 5। अब आ गया 52 तुम। हाँ तो ये कच्ची रोड पे राइट जा भाई जा, जिसने मिट्टी डालनी है पानी। ओह फक, कुछ दिख नहीं रहा, कैसे चलाऊं? ध्यान से ठीक कर चल। अरे इतनी मिट्टी उड़ा रहा है, वो कुछ दिख ही नहीं रहा। उल्लू का पट्टा कौन था? नेक्स्ट रीडिंग बता। 420 मीटर 16.94। देयर विल बी अ राइट एंड अ लेफ्ट, हमने स्ट्रेट ही आज का रूट आसान बनाया उन्होंने, जो बोल रहे थे। सोचो कल क्या होने वाला है। हां आई नो, इतनी मिट्टी है यार। 04 गाड़ी तो नहीं हो जाएगी तुम के यार, कोई टेंशन नहीं। दादा पॉप अप इज नॉट कमिंग। आई नो। थोड़ा आगे करो। Join main road and return. कहाँ से join करना है main road? ये right. भाई और कोई main road है नहीं, right में right है तो हम गए थे, तो यही चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे ख्याल से। You have reached finish. ठीक तो आ रहे हैं। You have reached to finish. Thank you. Time waste कर दो। You don't trust me at all. अरे I trust you. मैं तो चुप कर। मैं घंटे से बोल रहा था यही है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो day 1 over हो चुका है, और इतनी मिट्टी से और ऐसे रास्तों से आपने देखा हम आए, और ये हमारी गाड़ी है। गाड़ी साफ़ हो चुकी है क्योंकि वो सूखी मिट्टी थी और उड़ चुकी है, लेकिन पीछे फिर भी बहुत सारी मिट्टी दिख रही है। तो बहुत मज़ा आया कार चला के। ये एक और थार आ गई सामने, और ये था डे 1, और ये है हमारे को ड्राइवर, यानी मेरा दिमाग, मेरा नेविगेटर, जिसको भी ट्रस्ट करना है ब्लाइंडली। सो थैंक्स टू हिम कि हम पूरा लेग कवर कर पाए। दोनों TC जो टाइम चेकर्स थे उनको रिपोर्ट किया हमने, और 6 के 6 जो वर्चुअल मार्शल थे वहाँ पे भी रिपोर्ट किया। बट अभी रिजल्ट आएंगे आज के प्रोविजनल, तो देखते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एवरेज स्पीड थी हमारी आज की 24, और पूरा जो फर्स्ट लेग था, जो फ्लैग ऑफ सेरेमोनियल रन था आज, बहुत छोटा सा था, 1.5 घंटे का, 28-30 किलोमीटर का वो किया। लेकिन कल लंबा दिन होने वाला है, डे 2, और पूरा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, 12 घंटे तक। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहना व्लॉग पे, विल शो यू मोर अबाउट द कार रैली एंड इट्स गोइंग टू बी फन।